So good morning students, hope you all are fine. Today we will start with the first chapter from our first term syllabus of GK. So let's start with the first chapter. So this is the chapter number 23 from the old books. Okay, so the name of the chapter is Earth, Our Home. So students, today we will read about the earth. So earth is the planet on which we all are living. So earth is our home planet. This is the only planet in our solar system on which life is found. Let's know about our earth. Okay, so जो अर्थ है वो हमारा होम प्लेनेट है. सो जो सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेनेट है जो है अर्थ, जिस पे लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, जिस पे एनिमल्स प्लांट्स रह सकते हैं. सो लेट्स नो अबाउट आर अर्थ. ठीक है, इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को करने से पहले मैंने आपको कुछ डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है. सो पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. सो द फर्स्ट इज द सोलर सिस्टम. आप सभी ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा. सोलर सिस्टम क्या है? हमारे यूनिवर्स में सन और उसके साथ 9 प्लैनेट्स हैं. ठीक है, सन सेंटर में है. आपको पता है कि सन से हमें एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, हीट मिलती है. सो सन और उसके साइड में उसके 9 प्लैनेट्स हैं. प्लैनेट्स क्या हैं? छोटी छोटी बॉडीज हैं. छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर हम उनको दूर से देखेंगे तो हमें छोटी ही लगेंगी. सन है, उसके 9 प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स हैं. क्या हैं? प्लैनेट्स की सैटेलाइट. सैटेलाइट्स क्या हैं? जैसे अर्थ का सैटेलाइट क्या है? दैट इज़ द मून. मीन्स सैटेलाइट्स वो हैं जो प्लैनेट्स के साथ होती हैं. ठीक है, सो सोलर सिस्टम किस किस से बना हुआ है? सन. सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है और उसके अराउंड 9 प्लैनेट्स हैं. ठीक है, और हर एक प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट हैं. जैसे हमारी अर्थ का कौन सा प्लैनेट है? मून. ठीक है, उसके बाद जो बेटा जो सन के अराउंड आपको जैसे सर्कल्स दिख रहे हैं, सो ये सर्कल हैं जिसके अराउंड इन सर्कल्स पे ये जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मरकरी ड्रॉ किया है, तो मरकरी यहाँ से स्टार्ट होगा और सन के अराउंड ऐसे घूमेगा. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे वापस आएगा. सेम वे में वीनस भी ऐसे ही करेगा, और जो हमारा अर्थ है, अर्थ प्लैनेट है, वो भी ऐसे ही सन के अराउंड मूव करेगा. ठीक है, सो अर्थ के इस मूवमेंट को, जिसमें अर्थ सन के अराउंड घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ओके, दैट इज रेवोल्यूशन. सो जब अर्थ ऐसे मूव करेगा, देखो अगर अर्थ यहाँ पे है तो सन की लाइट किस पोर्शन पे पड़ रही है? इस पोर्शन पे. ठीक है, इस पोर्शन पे पड़ रही है, और जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे हीट भी ज़्यादा होगी. तो इस पोर्शन में क्या, कौन सा सीजन होगा? समर सीजन. लेकिन इस पोर्शन में तो उतनी लाइट और इतनी हीट नहीं पहुँचेगी, तो इस अर्थ के इस पोर्शन में कौन सा सीजन हो जाएगा? विंटर सीजन. लेकिन जब अर्थ यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आएगी तो क्या होगा? तो इस पोर्शन में ज़्यादा हीट पहुँचेगी, यहाँ पे समर सीजन आ जाएगा, और दूसरी साइड में कौन सा सीजन आ जाएगा? विंटर सीजन. सो जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो वो क्या कोज करता है, क्या क्रिएट करता है? सीजन्स. ठीक है, जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है, उस मोशन को, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. और रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है? सीजन्स बनते हैं. ठीक है, सीजन्स बनते हैं, और सीजन्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं. ठीक है, और बेटा मैंने यहाँ पे इस पिक्चर में सिर्फ 3 ही प्लैनेट्स ड्रॉ किए हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी. लेकिन यहाँ पे ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स. लेकिन हम आज इस चैप्टर में सिर्फ एक ही प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ स्पेशल है, क्योंकि अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है, अर्थ पे ही एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं, और किसी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो अगर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हम करेंगे वो है, दैट इज़ अ रोटेशन. ठीक है, दिस इज अर्थ. जो अर्थ है, सोचो ये अर्थ का सेंटर है. ठीक है, मैंने सेंटर ड्रॉ किया है, और अगर सोचो अगर ऐसे ही अर्थ राउंड राउंड घूमे. ठीक है, ऐसे 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 राउंड राउंड घूमे, उस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज रोटेशन. ठीक है, जो अर्थ है वो 2 तरह की मोमेंट शो करती है. ठीक है, वन इज रेवोल्यूशन
एंड सेकेंड इज रोटेशन. जब वो सन के अराउंड घूमेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन. और जब वो अपने सेंटर के अराउंड घूमेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन. और रेवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज होते हैं और रोटेशन के कारण क्या बनते हैं, डे और नाइट. ठीक है. सो आई होप अब आपको सोलर सिस्टम, रेवोल्यूशन, रोटेशन के बारे में कुछ पता चल गया होगा. अब हम चैप्टर से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट इज ए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड, फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड द डैश. ठीक है. सो अर्थ है, उसकी सराउंडिंग में आपको पता है एयर है, एयर की एक ब्लैंकेट है, एक कवर है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एटमोस्फियर. नेक्स्ट इज अ फिजिकली द अर्थ इज मेड अप ऑफ डैश मेन लेयर्स. ठीक है. अगर हम सॉइल को देखें तो उसमें थ्री लेयर्स हैं. ठीक है. उन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, वो लेयर्स कितनी हैं, थ्री. ठीक है. द अर्थ टेक्स डैश आस टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस. अब हम किस मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज रोटेशन. जो अर्थ है वो इसके अराउंड कितने टाइम में घूमेगी, दैट इज़ द 24 आवर्स. ठीक है. और हमारे डे और नाइट मिलके कितने आवर्स के होते हैं, 24 आवर्स के. नेक्स्ट इज द मिडल लेयर इज कॉल्ड द डैश एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द कोर. अब हमने पढ़ा था कि फिजिकली हम अर्थ कितनी लेयर्स की बनी हुई है, थ्री लेयर्स की. उसमें से जो इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, सो इनर मोस्ट लेयर है कोर. कोर और जो मिडल है, मिडल में आएगी, सेंटर में आएगी, डैट इज कॉल्ड मेंटल. नेक्स्ट इज द अर्थ डैश अबाउट इस इमेजिनरी एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट. सोचो वो कौन सी मोमेंट थी जिसके कारण डे और नाइट्स बनते थे, डैट इज द रोटेशन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए नियरली सर्कुलर पाथ कॉल्ड डैश. ठीक है. जो देखो जो अर्थ है वो इस रास्ते घूमेगी ना, जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. दिस इज ऑर्बिट. सो द नेक्स्ट इज द अर्थ डैश अराउंड द सन कॉजेस द चेंज ऑफ सीजन. ठीक है. वो कौन सी मोमेंट है जिसमें जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है जिसके कारण सीजन्स चेंज होते हैं, दैट इज द रेवोल्यूशन. नेक्स्ट इज द ए ग्रेट एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डैश. जब अर्थ की सरफेस में बहुत सारा ऊंचाई होगी, एलिवेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माउंटेन. द अर्थ टेक्स अबाउट डैश डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. ठीक है. जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक बार घूमने में कितना टाइम लेती है, डैट इज द 365 डेज. और आपको पता है कि 365 डेज से क्या बनता है, इज इक्वल टू वन ईयर. नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड डैश, दैट इज द क्रस्ट. हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है वो थ्री लेयर से बनी हुई है, जो इनर मोस्ट है वो है कोर, उसके बाद जो लेयर आएगी दैट इज द मेंटल, एम ए एन टी एल ई, मेंटल. और जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट, सी आर यू एस टी, क्रस्ट. सो द नेक्स्ट इज डिड यू नो द एज ऑफ आर अर्थ इज अबाउट डैश मिलियन ईयर्स. ठीक है. जो हमारी अर्थ है वो कितने साल पहले से बनी हुई है, ठीक है, उसकी एज कितनी है, दैट इज द 4,550 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज अबाउट डैश, आंसर इज 510 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर्स. सो स्टूडेंट्स, इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पोल्यूशन. सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कभी भी पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.